सो भाई काफ़ी दिन बाद गुड न्यूज है उन सभी के लिए जो कि पबजी लवर थे और जो पबजी गेम है बैटल ग्राउंड का वो खेलते थे, क्योंकि दोस्तों अब जो पबजी है पबजी गेम वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुका है। सो गाइज इसके लिए तो आपको बता दूं कि जो पबजी गेम है तो वो फाइनली प्ले स्टोर पर आ गया है। और साथ ही दोस्तों मतलब कि आप ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद अब स्किप करके प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर रहे होगे पबजी जो बैटल ग्राउंड है BGMI, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो सिंपली दोस्तों क्या है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड भी आप प्ले स्टोर से ही कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ट्रिक वगैरह अपनाना होगा जिससे कि आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड होगा, मतलब कि और कुछ भी मतलब किया नहीं गया है। तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल आप जैसे सर्च कर रहे होगे तो यहाँ पर शो नहीं करेगा डायरेक्ट से, तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे खेल सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में आगे। गाइज उससे पहले मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, यदि अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना फ्रेंड, कि अपडेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहते। तो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ से क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है आपको BGMI। तो BGMI सर्च करने के बाद आपको जो पहला जो ऑप्शन आएगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करते ही गाइस यहाँ से आप देख सकते हो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आपको गूगल प्ले जो है वहाँ से उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ से देखो आप यहाँ आ जाओगे, और यहाँ पर रिव्यू वगैरह भी दिया गया काफ़ी, और जो मैं पहले भी रिव्यू दिया था वो भी शो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सिंपली देखिए यहाँ से ये डाउनलोड भी हो रहा है, और यहाँ से 736 MB का है। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं इसको थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर देते हैं, जब पूरा हो जाएगा तो फिर से बताएँगे। तो फाइनली दोस्तों यहां से देखो पूरा हो चुका है और अभी इंस्टॉल हो रहा है, और इंस्टॉल होने के बाद जैसे पहले ओपन होता था वैसे ही ओपन होगा। तो सिंपली दोस्तों यहां से प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और अभी आप देखो यार पहले की तरह अभी ओपन हो रहा है। तो सिंपली यहां से अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से कुछ देर वेट करेंगे, उसके बाद दोस्तों देखिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अब यहाँ से अपडेट हो रहा है जैसे पहले होता था। तो यहाँ से अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 17 MB का ये अपडेट है। तो यहाँ से गाइस ये हो गया जल्दी से, तो यहाँ से ये जल्दी हो गया। बस सिंपली दोस्तों यहाँ से रिसोर्स वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा जैसे कि पहले करते थे, तो चलिए वो भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ से टाइमिंग ले रहा है, तो यहाँ 4 3 2 1, फिर देखिए फिर से आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और करते हैं गाइस यहाँ से देखो 519 MB का अपडेट है। तो सिंपली हम कुछ देर के लिए स्किप कर देते हैं, तो चलिए पहले 519 MB डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे। तो देखिए गाइज अब जो है पूरा होने वाला है, और यहाँ से देखिए ये हो गया 519 MB टोटल। अब ओके पर क्लिक करेंगे, ये अपडेट जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, अब सिंपली कुछ करना नहीं है, ये रेडी हो गया गेम पहले की तरह, पहले जैसे आप खेलते थे। तो सिंपली गाइज यहाँ से सारा प्रोसेस करने के बाद अब ये ओपन होगा, देखिए यहाँ से ओपन हो रहा है धीरे धीरे। अब सिंपली से दोस्तों यहाँ से एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से नोटिस वगैरह देख सकते हो कि इसका सर्वर जो है अभी लॉन्च नहीं किया गया है, सिर्फ केवल गेम आया है, तो सर्वर भी आ ही जाएगा। यहाँ से देखिए इस तरह से हो रहा है, तो इसे कुछ देर वेट करना है, इसे होने देना है। उसके बाद से सिंपली गाइस यहाँ से नोटिस आया है, सर्वर इज़ नॉट फाउंड एट,
तो गाइज मैं जो है यहाँ से डाउनलोड हो रहा है, लेकिन सर्वर जब आएगा तो ये चलने भी लगेगा। सो फाइनली दोस्तों देखा कि कैसे आप जो है क्रोम पर पहले सर्च करिएगा BGMI और वहाँ पर आपको जो है प्ले स्टोर का जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा, और जब प्ले स्टोर वाले ऑप्शन पर जाइएगा तो वहाँ BGMI का जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मतलब कि एक बात यह है कि आपको अभी सर्वर जो है उसे ऑन नहीं किया गया है। सो गाइस ऐसा नहीं है कि PUBG अभी आ रहा है तो अभी से ही आप खेल रहे हो, आप पहले से भी खेल रहे हो, ये सभी को पता है, और कैसे खेल रहे हो तो आप खुद ही जानते हो। सो गाइस जो सर्वर है, सर्वर जल्द ही मतलब कि जो है रेडी कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको वहाँ पर आसानी होगी, मतलब कि विदाउट एनी मतलब कुछ प्रॉब्लम के, मतलब बिना कोई प्रॉब्लम का आपका जो है सर्वर ऑन कर दिया जाएगा। और जब सर्वर ऑन कर दिया जाएगा तो वहाँ पर मतलब ऑफिशियली एक ट्वीट किया जाएगा, और वहाँ से जो है आपका जो BGMI गेम है जो पहले की तरह चलना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज मैं भी चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ कि कैसे कैसे मतलब कि वर्क करेगा, पहले की तरह रहेगा सारा ग्राफिक वगैरह कि नहीं, ये सब सारा चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। और जो है जो खेल रहे हैं उसको तो पता ही है कि कैसा ग्राफिक है, लेकिन नए नए जो है जो सेफ्टी से खेलना चाहते हैं डाटा को मतलब सेव करते हुए, तो अब जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस के साथ बैक हो रहा है। तो जैसे ही कुछ मतलब कि नया अपडेट आता है तो मैं आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल कैसे कैसे डाउनलोड करना है सारा कुछ आपने इस वीडियो में देखा। तो चलिए गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।